नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशीलता अनुदेशक, समय के क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मोहन रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको दृष्टिवान मार्गदर्शक तकनीक में बहुत सारी तकनीक बताई हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको दृष्टिवान मार्गदर्शक के साथ दृष्टि दिव्यांगजन के कुर्सी पर बैठने की तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम अपने आसपास कुर्सी की अलग अलग व्यवस्थाएं देखते हैं, जैसे कक्षा, कार्यालय, सिनेमा हॉल, स्टेशन, बस के अंदर इत्यादि में कुर्सियों की अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और इन सभी व्यवस्थाओं में बैठने की तकनीक भी अलग अलग होती है। लेकिन इस भाग में मैं आपको केवल कार्यालय में जहाँ पर एक कुर्सी है और उसके आगे एक मेज है, उस कुर्सी पर बैठने की तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। दृष्टिवान मार्गदर्शक द्वारा दृष्टि दिव्यांगजनों को कुर्सी पर बिठाने के लिए मार्गदर्शक अपने पकड़ वाले हाथ को कुर्सी की पीठ पर ऊपर की ओर रख देता है। इसके उपरांत दृष्टि दिव्यांगजन भी मार्गदर्शक की बाह को स्पर्श करते हुए अपना हाथ कुर्सी की पीठ के ऊपर ले आता है। इसके अलावा इस क्रिया को एक अन्य तकनीक से भी किया जा सकता है, जिसमें मार्गदर्शक स्वयं ही दृष्टि दिव्यांगजन का हाथ पकड़कर कुर्सी की पीठ के ऊपर रख देगा। इस क्रिया के उपरांत दृष्टि दिव्यांगजन कुर्सी की पीठ से हाथ को सरकाते हुए किनारे पर लगे हैंडल पर लाता है तथा दूसरे हाथ से कुर्सी पर बैठने की जगह की जांच करता है कि कहीं कुर्सी पर कुछ रखा तो नहीं है। यदि कुर्सी पर कोई वस्तु नहीं रखी है तो वह कुर्सी को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी की दिशा तथा मेज और कुर्सी के बीच की दूरी को सही करने के लिए अपने दोनों हाथ मेज पर रखता है, जिससे उसे कुर्सी और मेज की दूरी तथा कुर्सी की दिशा का सही पता हो जाता है। यदि कुर्सी थोड़ी बहुत तिरछी है या उसकी दिशा कुर्सी की दिशा सही नहीं है तो वह अपने दोनों हाथों की स्थिति से कुर्सी को सही दिशा में मोड़ लेता है। यह थी कुर्सी पर बैठने की तकनीक। इसके अलावा अलग अलग व्यवस्थाओं में जो भी कुर्सी पर बैठने की तकनीक है, उसमें पीठ पर हाथ रखना और साथ साथ सरकाते हुए जहां पर कुर्सी पर बैठते हैं उस चीज को चेक करना, वो सभी अरेंजमेंट में, सभी सीटिंग अरेंजमेंट में ये अवश्य देखा जाएगा। तो यह थी कुर्सी पर बैठने की तकनीक। इसी के साथ अगले भाग में किसी और विषय के साथ आप लोगों को मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।